देखते रहिए यूबीएन जीरो एट छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार चीलक स्टेट हेड की रिपोर्ट। माँ चंडी मंदिर ट्रस्ट कमर में राम नवमी पर समापन समारोह। यह समाचार बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड से लगे ग्राम पंचायत कहाँ का है, जहाँ पर माँ चंडी ट्रस्ट के द्वारा रामनवमी पर्व समापन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच का आकर्षक प्रस्तुति रखा गया था। यहाँ 9 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम की पंडवानी नाचा रामधुनी, इस प्रकार से कई कार्यक्रम ट्रस्ट के द्वारा रखा गया था। साथ ही सुबह 1 बजे से संध्या 5 बजे तक भक्ति संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, महापुराण, ज्ञान यज्ञ, कवि कार्यक्रम रखा गया था, जिसके भागवताचार्य पंडित श्री हरिचरण वैष्णव महाराज कनेरी वालों का भागवत 9 दिन तक चला। साथ ही भंडारे का आयोजन 9 दिन तक रखा गया था। यहाँ माँ चंडी विगत 50 वर्षों से शंभू माँ जय माँ चंडी ट्रस्ट मंदिर के तत्वधान में यहाँ का कार्यक्रम हुआ। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बी आर साहू ने बताया कि यहाँ ट्रस्ट 12 गांव के लोगों से बना हुआ है। सभी गांव के लोगों द्वारा दान देकर इतने बड़े आयोजन किया जाता है। साथ ही इस मंदिर में नवीन मूर्ति का भी स्थापना किया गया, जिसमें लगभग 5 लाख खर्च आया था, जिसके लिए दानदाताओं को धन्यवाद दिया। रामनवमी समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे अध्यक्ष बी आर साहू अध्यक्षता कर रहे थे। एच के रात्रे ईश्वर लाल साहू अतिथि के रूप में विराजमान रहे। नैन्सी पटेल, योगेंद्र कुमार पटेल, जगत राम साहू, श्रीमती सीताबाई साहू एवं माँ चंडी मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, साथ ही समस्त ग्रामवासी कंवर के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय बताओ भाभी, मीना पटेल। अभी कौन से पद में हो गांव के? राजू। अच्छा, आपके गांव में जो चंडी मंदिर ट्रस्ट में जो कार्यक्रम होते हैं, बारे में विस्तृत जानकारी बताओ। चंडी में यहाँ पहले से है, अच्छा अच्छा है, चलत है, और क्या कहे, मैंने जुड़े थे, मैंने अच्छा चला थे भंडारा भी से, और चंडी में हमें बहुत सर है आते देखिए मन, और अच्छा अच्छा कार्यक्रम होते नौ दिन में और भंडारा। और माता से जो मनोकामना मांगते वो पूरा, मनोकामना मांगते थे पूरा होते। तो अभी कम से कम लगभग कतिक जोत रीस हुई है? 250 तो ये में के गांव का आदमी जुड़े हुए हैं? 12। अच्छा, तो ये आयोजन आप मतलब कैसे लगत? माननीय श्री हरिश्रम वैष्णव जी, धमतरी से आपका आगमन हुआ, और जितने वर्ष इस मंच पर भागवत का कार्यक्रम हुआ, इस वर्ष का भागवत हमने देखा है सफल आयोजन रहा है। 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक दर्शकों की उपस्थिति कम नहीं हो पाई, आज तक के उसकी उपस्थिति बहुत अच्छी बनी है, और सबने उतना स्नेह उन्हें प्रदान। हमारे कार्यकर्ता बने हैं, वो वर्कर हैं, आपके वर्कर हैं, आपके काम करने वाले हम गांवकर हैं। आप जिस प्रकार से दिशा निर्देश करते हैं, आदेश देते हैं, उस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं। हम काम करने वाले में से हैं, आपका मेहनत की पसीना की कमाई यहाँ पर लगा दी जाती है, और उसे सजाने संवारने में ये मंच जो भव्यता जो आप देख रहे हैं, वो हमारा नहीं है, आपका है, और आप अपने संपत्ति को कैसे। गांव वाले ने आकर पूजा पाठ किया, और इसी बीच सन 74 में ही एक अगोड़ी महाराज आया। अगोड़ी महाराज ने गांव में एक बैठक लिया, मीटिंग लिया, और
पुराना सियाह और जवानों को इकट्ठा किया और इसके बारे में महिमा बताया और उसी के प्रेरणा से सत चंडी यज्ञ सन 74 में हुआ। और सन 74 के बाद ये जो बिखरा हुआ मूर्ति था उसे एक नया मूर्ति बनाने का प्रयास किया, जिस मूर्ति को आप अभी तक देखते आ रहे थे, और वह मूर्ति सीमेंट का बना हुआ था। इस कारण